लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है। हिट एंड रन का नया नियम अभी लागू नहीं होगा और ये बयान सरकार की तरफ से भी आया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी आया है। अभी पुराना कानूनी लागू रहेगा, 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है। सैयद आमिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद आमिर, सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बीच बैठक हो रही थी जिसमें गृह सचिव भी मौजूद थे, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, अभी लंबी बैठक ये चली है, शाम को 7:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद जो है कुछ ही देर पहले बैठक खत्म हुई है। लंबी बैठक में इस बारे में चर्चा हुई है, खासतौर पे कि जो नियम लागू किए गए थे उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकते थे, तो वो उस बारे में तमाम एसोसिएशन के 10 सदस्यीय टीम जो यहाँ आई थी उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे। तो इस पर ये बताया गया, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि जो पुराने कानून था वही लागू रहेगा, नया कानून अभी लागू नहीं होने जा रहा है, ऐसा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है। और उनका कहना है कि जो 10 साल की सजा और 7 लाख का प्रावधान था उसको फिलहाल अभी सरकार ने टाल दिया है, ऐसा मीटिंग में फैसला लिया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस मामले पर बातचीत नहीं हुई है कि नया कानून क्या लागू होगा या नहीं होगा, हालांकि पहले भी नया कानून अभी लागू नहीं होने जा रहा था। तो कुल मिलाकर के अभी ये बड़ी रिलीफ मिली है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को और खासतौर पर कल से बाकायदा हड़ताल खत्म करने की बात की गई है। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये भी कहना है कि हड़ताल उनकी तरफ से नहीं की गई थी, कुछ अलग अलग जगहों पर ड्राइवर्स ने हड़ताल की थी, लेकिन अपील की है कि हड़ताल पे से सब काम पे वापस आ जाएं और कल से कोई भी हड़ताल पे ना जाए। तो ये राहत की बात है सैयद आबिर की, हड़ताल कल से खत्म हो गई, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि पेट्रोल पंप्स पर लाइन लग गई हैं, दूध की किल्लत हो रही है, सब्जियां महंगी हो गई हैं। लेकिन बातचीत के बाद फैसला होगा, इसके क्या मायने, क्योंकि अगली बैठक के लिए क्या कोई समय तय किया गया है? नहीं, अभी अगली बैठक का समय तो तय नहीं किया गया है, लेकिन इनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कि अगर सरकार इस नए नियम पर आगे बढ़ती है तो वो दोबारा स्ट्राइक कर सकते हैं और इस बार बड़ी स्ट्राइक होगी। पहले जो स्ट्राइक हुई थी उसमें भी इनका ये कहना था कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं थी, और इन्होंने ये भी कहा कि हम अपील करते हैं कि कल से जो भी ड्राइवर्स इस बात को लेकर के स्ट्राइक पर है कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, तो उनसे वो अपील करते हैं कि इस तरह के कानून अभी नहीं लागू किए जा रहे हैं, इसलिए कल से वो काम पे आ जाए। लेकिन अगर आगे सरकार इस नए नियम नए कानून पर आगे बढ़ती है तो उनका मानना है कि आगे भी स्ट्राइक की जा सकती है, आगे हम सरकार से फिर बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अभी किसी तरह की बैठक होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी,